एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कल के 16 अगस्त के पेपर के बारे में। और देखिए, मैं इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कराऊंगा, क्योंकि कल मैं नहीं डाल पाया था। तो आज अगर मैं इनकी अलग अलग वीडियो डालता हूँ तो टाइम आपका ही वेस्ट होगा। इसलिए मैं इस एक सिंगल वीडियो में ही शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड के सारे क्वेश्चंस लूँगा जितने मेरे पास आए थे। ठीक है, कल थोड़ा मैं बिजी था इसलिए नहीं वीडियो बना पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो सीधे सीधे क्या कह रहा है कि राइट पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव्स व्हाट काइंड ऑफ ब्लड। दिल का जो दाहिना हिस्सा है वो क्या काम करता है या वो किस तरह का जो ब्लड है वो लेता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपको बताऊँ तो दिल कुछ इस तरह की शेप में होता है। ठीक है, ऐसे देखिए इसमें चार हिस्से बने होते हैं। एक मिनट, वेट अ मिनट। ओके ओके, तो देखिए ऐसे क्या है, चार हिस्से इसमें बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें जो दिखाई देता है ना वो सामने से देखते हैं हम, जैसे हम मिरर में देखें। ठीक है, बस वही वाला हिसाब होता है। अगर आपका देखिए मिरर में आप देख रहे हैं तो ये जो हिस्सा है जो आपके लेफ्ट साइड में है, ठीक है, ये उसका राइट साइड होता है हमारे हार्ट का, जो हम देखते हैं बुक में, और ये हिस्सा लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आता है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है। ठीक है, और यहाँ पर लंग्स में जाता है, वहाँ से प्योर होकर वापस अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आता है, इम्प्योर ब्लड आता है। ठीक है, और देखिए हार्ट काम क्या करता है, हार्ट हमारा सिर्फ पंप करने का काम करता है, मतलब इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है और फिर प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है, बस इतना काम उसका होता है। हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन अ प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो देखिए कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी बार भी चाहे उतनी बार प्रेसिडेंट के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है और प्रेसिडेंट भी बन सकता है। सिर्फ एक अमेरिका में है जो जहाँ पर क्या है, सिर्फ दो बार से ज़्यादा तीसरी बार नहीं खड़े हो सकते। नेक्स्ट देखिए, इनडिफरेंस कर्व। देखिए अगर इस कर्व की बात करें तो ये क्या करता है, ये एक कॉम्बिनेशन है या फिर ग्राफ का एक कहें तो कंपैरिजन होता है। ठीक है, जहाँ पर हम दो गुड्स के कंपैरिजन करते हैं, उसकी कैसे, उसकी यूटिलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को देखकर। ठीक है, तो सीधे सीधे समझ लीजिए इनडिफरेंस, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कितना वो एक दूसरे के इक्वल बैठते हैं दो गुड्स के बारे में। नेक्स्ट आपका देखिए ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की बात करो तो देखिए ब्रॉन्ज के अलग अलग कई टाइप के एलॉय बनते हैं। ठीक है, जो मेन होता है देखिए वो टिन और एल्यूमिनियम के साथ एक सब्सटेंस और एक्स्ट्रा मिलता है, ये दोनों तो आपके फिक्स होते हैं। अगर आप देखिए सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ब्रॉन्ज के भी अलग अलग टाइप दिखेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल ब्रॉन्ज होता है, और वैसे आप देखेंगे तो आपको बहुत अलग अलग टाइप, सिल्वर ब्रॉन्ज, ठीक है, और टाइटेनियम ब्रॉन्ज, और फिर लेड ब्रॉन्ज, ऐसे कई तरह के अलग अलग, क्रोमियम ब्रॉन्ज, ऐसे अलग अलग तरह के कई सारे ब्रॉन्ज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए शार्क समिट, सार्क समिट की अगर मैं बात करूं 2016 में इस्लामाबाद में होने वाला था पर ये कैंसिल हो गया, और साथ ही साथ देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इन्होंने भी क्विट कर दिया था, नहीं गए थे इस भाग लेने इस सार्क समिट में, और इंडिया भी नहीं गया था। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान उसी जस्ट उसी टाइम से जस्ट पहले उरी हमला हुआ था। ठीक है, उरी पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसकी वजह से इंडिया ने जाने से मना कर दिया था, जिस वजह से क्या इस्लामाबाद में सार्क समिट रोक दी गई थी। दूसरा है देखिए रेल लिंक वाज लेट फ्रॉम चाइना ऑन 10 अप्रैल टू विच कंट्री, देखिए लगभग 7000 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन बिछाई गई है जो यूके तक जा रही है, तो कहाँ तक, इंग्लैंड तक जा रही है, यूनाइटेड किंगडम तक जा रही है। उसका देखिए नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट आपका ये, इसमें देखें देखिए विच हॉकी प्लेयर वाज अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड दिस ईयर, देखिए मैंने पद्मश्री वगैरह की सारी वीडियोस मैंने बना दी थी, उसके अंदर ही पीआर श्री जेएस भी हैं। ठीक है, पीआर श्री जेएस, इसमें क्या है देखिए लगभग एक लौते ऐसे हैं जिनको हॉकी के लिए पद्मश्री मिला है, वैसे आर्ट्स म्यूजिक के लिए और सिमिलर बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स में मिला है, हॉकी के लिए मिला है पीआर श्री जेएस को। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन से मूवमेंट को लीडर किया था, देखिए अगर बात करें तो उन्होंने कई सारे मूवमेंट में भाग लिया, वैसे ऐसा नहीं कि नहीं लिया, बहुत सारे मूवमेंट हुए थे जिन्होंने भाग लिया था।
ठीक है। पर जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, उन्होंने क्या करा था, 3 साल तक सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट को ही फॉलो किया और दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो लीडर थे क्विट इंडिया मूवमेंट के। उसके बाद देखिए हु किल्ड सैंडर्स। देखिए अगर सैंडर्स की हम बात करें तो उन्हों किन से मारा, उन्हें मारा था भगत सिंह और शिवराम राजगुरु। ठीक है, शिवराम राजगुरु, राजगुरु जी थे उनका पूरा नाम था। तो देखिए उन्होंने ऐसा क्यों मारा, क्योंकि आपको शायद याद हो लाला लाजपत राय थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। ठीक है, लाठीचार्ज सैंडर्स ने नहीं कराया था, किसी और ने कराया था, पर गलती से इन्होंने सैंडर्स को मार दिया। और ये कौन थे, ये ACP थे, ठीक है, ब्रिटिश राज के। ठीक है, तो इन्होंने किसने मारा था, मेन देखिए भगत सिंह है, अगर भगत सिंह नहीं आते तो राजगुरु का नाम होगा। नेक्स्ट देखिए हेमा मालिनी, ये मैंने अपनी बुक वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर पहले ही दे दिया था आपको मैंने, अगर आपने देखी होगी तो आप करके आए होंगे। ठीक है, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, किसने लिखी है, राम कमल मुखर्जी। नेक्स्ट देखिए MICR, आपको अगर याद हो तो आप चेक जो बुक होती है चेक देखेंगे तो चेक के नीचे कोड लिखा रहता है। ठीक है, जस्ट आप जहाँ रुपये अपनी अमाउंट लगते हैं उसके नीचे कोड लिखा रहता है 102 करके कुछ, तो वो क्या होता है, वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, और उसमें आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इंक। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद देखिए जुडिशियल रिव्यू, कई सारी चीज़ें देखिए अलग अलग जगह से ली गई, आपके फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, DPSP, लगभग 60% हमारा पार्ट अलग अलग कंट्री से लिया गया है। तो उसी के अंदर जो आपका जुडिशियल रिव्यू है वो किस कंट्री से लिया गया है, वो लिया गया है USA से। ठीक है, उसके बाद देखिए हम अगर नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा क्वींस बेरी रूल, ये किस खेल से जुड़ा हुआ, देखिए क्वींस बेरी आपका बॉक्सिंग के अंदर एक रूल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 15th क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो है लिवर। अब देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट टिशू, इन सब की मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, जिसमें मैं आपको सब बता दूंगा कि लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ये सब हमारी बॉडी के अंदर क्या है। दुलारी कन्या, देखिए दुलारी कन्या जो स्कीम है इसमें क्या है, 20,000 का आपका दे दिया जाता है एक अमाउंट लड़की पैदा होने पर, और जो 18 साल तक फिक्स डिपॉजिट में डाला रहता है। ठीक है, तो ये कन्या को ये जो स्कीम है ये कहाँ पर लागू हुई है, ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो किसने की थी, वो खोज की थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, देखिए सबसे फेमस है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, आइंस्टीन की। पर अगर ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत पूछा जाता है और बच्चे गलत भी करके आते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस थ्योरी के लिए मिला था, तो कई सारे लोग हैं वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे टिक करके आते हैं E=mc². ठीक है, पर ऐसा नहीं है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। किसके लिए मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम डिफरेंस इन टेम्परेचर इन डे एंड लाइट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए, ऑप्शन अगर मेरे पास होता तो मैं बताता कि प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई जगह है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया, पर एक ऑप्शन एक आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है और किस तरह किस प्रिंसिपल पर काम करता है। देखिए जो हाइड्रोलिक लिफ्ट आपको पता हो उसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे पाइप होता है, ठीक है, उसके अंदर एक और ऐसे पाइप डला होता है, ठीक है, और अंदर लिक्विड भरा होता है। ठीक है, वो क्या करता है, इस चीज़ को ऊपर लिफ्ट करता है, तो आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट कहलाता है। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, पास्कल प्रिंसिपल पर। और जो पास्कल प्रिंसिपल है आपका वो क्या होता है, देखिए पास्कल प्रिंसिपल के मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, देखिए एक ये ऐसे दो हैं, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा है, और एक ऐसे मैं पाइप ले लेता हूँ, ठीक है, जो ऐसे करके जा रहे हैं। देखिए ये यहाँ तक पानी से भरा हुआ है और ये भी यहाँ तक पानी से भरा हुआ है। तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, लिक्विड है किसी सिलेंडर के अंदर जो हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, अब उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते, और अगर हम यहाँ से कोई प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो इस पूरे पे पड़ेगा, चाहे इसका कितना भी एरिया हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, पूरे पे इफेक्ट पड़ेगा और उतना इफेक्ट पड़ेगा जितना इस पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पास्कल प्रिंसिपल कहता है। देखिए स्टडी ऑफ ब्रेन ट्यूमर, अब देखिए ब्रेन ट्यूमर को अगर मैं बोलूँ तो सीधे कैंसर होता है। ठीक है, तो कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आपके वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन के लीडर कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए वाइट रिवॉल्यूशन आपको पता हो तो दूध से लेके था, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका देखिए हरियाणा वगैरह में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और उनकी एक बुक भी जब निकली थी एम स्वामीनाथन, मैंने उनकी बताई थी। और ब्लू रिवॉल्यूशन आपका फिशरीज से है, ठीक है, आपका वाटर जो एनिमल्स होते हैं उनसे रिलेटेड है, तो मैंने आप इन सब के बारे में आपको बताया है, पर इनके लीडर कौन है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने इसको मेंशन नहीं किया, आप मुझे कमेंट में बताइए वाइट रिवॉल्यूशन के लीडर, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लीडर और ब्लू रिवॉल्यूशन के लीडर आप लोग मुझे बताइए कमेंट में क्या होंगे या कौन है। ठीक है, अगर आप नहीं बताते, देखिए मैं आज वेट करूँगा, आप नहीं बताते नहीं तो कल मैं खुद ही इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूँगा। उसके बाद देखिए हाउ मेनी टाइम्स कैन ए पर्सन कैन बी, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कितनी बार भी बन सकता है, इसकी कोई लिमिट है नहीं, सिर्फ अमेरिका में दो बार की लिमिट है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, देखिए जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था एटलस। ठीक है, ठीक है, एक सीडीआर है, सीआरडी है, कोई कंपनी है, उसने मिलके बनाया था। ठीक है, एटलस कंप्यूटर जो पहला सुपर कंप्यूटर बना है। ठीक है, तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, एटलस, ये 1960 के आसपास बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, व्हाट इज़ द डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस, अगर कोई हम सब्सटेंस को डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, वो कहलाती है सब्लिमेशन। और देखिए अगर हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। और अगर हम, ठीक है, किससे, अब हम कह दें एक बार को कि सॉलिड से, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कह सकते हैं मेल्टिंग। और अगर हम कैसे, हम अगर गैस से सॉलिड की तरफ जाएंगे, ठीक है, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड बोल सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, उसे भी हम कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, उसे कंडेंस करते हैं हम, क्या करता है कंडेंस, कंडेंस मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ाते हैं, हम उसे कंप्रेस करते हैं। ठीक, तो देखिए ये थे आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का जो सब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि नेम द आर्टिकल विच इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुताबिक जो हमारा आर्टिकल 32 है, ठीक है, इसको हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए योगा, 2017 में योगा कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एसआई यूनिट ऑफ पावर, देखिए एसआई की मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रोलिंग प्लान कौन से 5 ईयर प्लान के बाद आया था। ठीक है, जो रोलिंग प्लान है वो आया था 5th 5 ईयर प्लान के बाद, जो आपका 1977 में लागू हुआ था। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्यूक्लाइन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या केमिकल फॉर्मूला है उसका, क्यूक्लाइम का, CaO। एक जो आया था देखिए वो भी नेपाल से एक पावर डील चल रही है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, हो सकता है ये पूछ लिया जाएगा कितनी पावर का है, या फिर ये कब डील कब हुई थी, तो ऐसे कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर जो उसमें पावर प्लांट बनाया जाएगा वो कहाँ बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए हु डेवलप्ड पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन बनाई थी जोनास साल्क ने। सेरेना विलियम्स ने भी देखिए अपनी बहन को हराकर कितने ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीता है, तो देखिए सेरेना विलियम्स ने अपनी बहन को हराकर 23वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। एक देखिए आया था बैटल ऑफ हल्दीघाटी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, और ये पूछा गया कि कौन कौन से साल में लड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्रिक्स समिट, जो 2017 का ब्रिक्स समिट है वह कहाँ हुआ था, वो था साइमेन। ठीक है, अब इसे जायमेन कह सकते हैं, साइमेन कह सकते हैं, देखिए सायोमी कहते हैं हम मोबाइल फ़ोन को, जायोमी नहीं कहते, ठीक है, तो हम इसे साइमेन कहेंगे या फिर सियामेन भी कह सकते हैं हम इसे। देखिए जिंजर क्या है, जिंजर एक ट्रू रूट है, क्या है, रूट है, जिंजर क्या है, रूट है पूरी। देखिए ट्रेड मोनोपोली क्या होती है, मैंने आपको बताया मोनोपोली वो चीज़ होती है जब मार्केट में सिर्फ आप एक लौते ही रिटेलर हों, या कहते तो आप दुकानदार हों, और आपका पूरा कंट्रोल हो उस मार्केट के ऊपर, आप जितने चाहें उतने प्राइस कम कर सकते हैं, उतने ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपके चैलेंज में नहीं है, वो आपका ट्रेड मोनोपोली कहलाता है। उसके बाद देखिए रिसेंटली फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था 2007 में, उन्हें मिला था शत्रुघ्न सिन्हा को। 14 देखिए एक क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलियन ओपन से, तो ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता,
ठीक है, मेंस में, वुमेंस में, डबल्स में, कई सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं, आप सारे देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक आया था टैक्स सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन नहीं पता चला मुझे जो क्वेश्चन क्या था, व्हाई इनफ रेन इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स बट नॉट इन द डेक्कन प्लेटू। अब देखिए अगर आपको मैंने इसमें आंसर नहीं लिखा, मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ। देखिए अगर आप देखें तो ये है आपका डेक्कन प्लेटू, आप इतने हिस्से में आप कह सकते हैं, और यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर विंध्याचल और आपका अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है, और अन्नामलाई की देखिए पहाड़ी, अरावली नहीं सॉरी, अन्नामलाई की पहाड़ी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर देखिए क्या होता है, यहाँ से आपकी मानसून आता है, ठीक है, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स होते हैं वहाँ पे बहुत बारिश होती है, पर जब आपका जो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है वो आपका इधर से आता है, जैसे यहाँ से आता है तो देखिए यहाँ बहुत बारिश होती है मुंबई वगैरह में, पर इस हिस्से में क्या आपका अन्नामलाई है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला, तो वो क्या करती है बारिश को रोक देती है और ऊपर की तरफ निकल के आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से डेक्कन प्लेटू में उस टाइम बारिश नहीं होती, वहाँ पर कब होती है, वहाँ जब आपका मानसून लौट कर आता है, ठीक है, तब वहाँ पर बारिश होती है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंडफॉल। देखिए जो द विंडफॉल बुक थी वो लिखी थी दीक्षा बासु ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। देखिए अब हर किसी को अलग अलग टाइप की मेजोरिटी चाहिए होती है, अगर आपको अपनी पार्टी को जिताना है तो अलग मेजोरिटी है, अगर आपको इलेक्शन में कुछ खड़ा होना है तो अलग मेजोरिटी चाहिए, आपको जीतना है तो अलग मेजोरिटी, अपॉइंटमेंट के लिए अलग मेजोरिटी, कोई बिल पास करना है तो अलग मेजोरिटी। अब इसमें किस मेजोरिटी की बात की जा रही थी मुझे इसमें नहीं पता, ऑप्शन होते तो मैं आपको बता सकता था पर इसमें मुझे ऑप्शन नहीं मिले, ठीक है। इन विच सेल हाइड्रोजन एंड वाटर ऑक्सीजन आर लिबरेटेड टू द फॉर्मली एनर्जी। देखिए पूछ रहे हैं कि कौन से सेल के अंदर हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन, ठीक है, एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शंस नहीं मिल पाए थे मेरे, इसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको अगर मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केम ऑफ कोल। देखिए लिग्नाइट, लिग्नाइट आप कह सकते हैं चूना पत्थर होता है, ये कोल का नाम नहीं है, एंथ्रासाइट कोल को ही कहते हैं। देखिए प्लांट स्टेम मेनली किस में होता है, ठीक है, या फिर किसको रखता है, जो प्लांट का स्टेम होता है वो लिपिड रखता है या सेलुलोज रखता है, ये पूछा गया। उसके बाद आफ्टर विच एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट मोनोपोली ऑफ ट्रेडिंग। देखिए जो चार्टर एक्ट 1813 आया था, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी जो पावर थी ना मोनोपोली की कमर्शियल या कहें तो ट्रेड में वो खो दी थी। उसके बाद देखिए स्पेशल मेजोरिटी यूज इन विच अमेंडमेंट, ये भी आपका नहीं दिया, आर्टिकल तो मुझे कई सारे मिले 152 वगैरह वगैरह, पर किस अमेंडमेंट में था मैंने नेट पर सर्च किया, आप मुझे बताइए, मुझे कमेंट में नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन आए थे शिफ्ट सेकंड में। उसके बाद बात करते हैं हम शिफ्ट टू के बारे में। तो देखिए शिफ्ट टू में जो सबसे पहला था कि सबसे लंबी बुलेट ट्रेन लगभग 1700 किलोमीटर लंबी, ठीक है, ट्रैक है वो, तो सबसे लंबी बुलेट ट्रेन का मतलब सबसे लंबा ट्रैक जिसका हो, तो वो चाइना में अभी बनी है, ठीक है, जनवरी में। ह्यूमन ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, चार में। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है कि विच गवर्नर बैंड सती प्रथा। देखिए सती प्रथा को विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन कर दिया था। अनसुटेबल बॉय ये किसने लिखी है, करण जौहर की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉरेंज कर्व। देखिए लॉरेंज कर्व के ऊपर एक क्वेश्चन आया, ये कर्व क्या है, ये कर्व बताता है किसी दो गुड्स के कंपैरिजन को, ठीक है, कि कितना चेंज आया, कितना चेंज उसमें अनस्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, ये आपका लॉरेंज कर्व होता है, इकोनॉमी बेस्ड करवा रहे हैं आपके। विच इज द एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं जिनमें टेम्परेचर 15 से 30 के बीच में होता है वो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। विच वन ऑफ द फोर ऑप्शन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अब देखिए ऑप्शन मुझे नहीं मिले, हो सकता है उसमें लीगल राइट होगा, तो देखिए जो लीगल राइट होता है वो आपका सॉरी मतलब राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका लीगल राइट होता है, फंडामेंटल राइट नहीं है। एमरजेंसी आर्टिकल। देखिए आर्टिकल 352 में 352 में दिया गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कंट्री में एमरजेंसी लगाने की, ठीक है। दो क्वेश्चन जो आए थे देखिए वो आए थे केमिस्ट्री के डिस्कवरियों को लेकर कि केमिस्ट्री में इसकी खोज किसने की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और बाकी सब की खोज किसने की थी। हु इन्वेंटेड रडार। देखिए रडार खोजा था हेनरी हर्ट्ज ने, ठीक है, हेनरी हर्ट्ज ने रडार की खोज की थी। ट्वेल्थ क्वेश्चन आपका है देखिए हु गॉट पद्मश्री अवार्ड फॉर आर्ट एंड म्यूजिक। देखिए आर्ट और म्यूजिक में लगभग पद्मश्री लगभग 17 से 20 लोगों ने पद्मश्री
जीता था, अब उनमें से कौन सा पूछा गया ये आपको देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया था देखिए सुपर कंडक्टिविटी को लेकर, देखिए सुपर कंडक्टिविटी क्वेश्चन क्या था मुझे पता नहीं, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है। सुपर कंडक्टिविटी में आपको सीधे एक बात बताऊँ तो कि आइडियल कंडक्टर होता है जहाँ पर क्या रेजिस्टेंस पूरा जीरो होता है और जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ये देखिए जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन सम सब्सटेंस एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में कितने मतलब ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, चार ही मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, देखिए इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है इनमें से, ये क्या है OMR इनपुट डिवाइस होती है, बारकोड भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, बारकोड रीडर, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर एक प्रिंटर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन जो ऑप्शन के हिसाब से थी वो ग्रीन हाउस गैस नहीं थी, ठीक है। 13 देखिए 18 आपका क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था, जे थॉमसन। इन उड़े देश का नागरिक स्कीम, देखिए उड़े देश का नागरिक स्कीम है उसमें क्लास 2 और क्लास 3 फेयर, ठीक है, क्या दिया गया है। अगर आप देखिए नाम से आप समझें तो उड़े देश का नागरिक मतलब ये एयरलाइन से रिलेटेड स्कीम है, अब उसमें जो क्लास 2 और क्लास 3 है ये देखिए इकोनॉमी बेस्ड टिकट्स के बारे में कुछ होगा पक्का, देखिए आप ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं, मैंने इसलिए जानबूझ के नहीं पढ़ा इसके बारे में, सिर्फ मैं अपने कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, अगर सही बता रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। पूना पैक्ट, देखिए पूना पैक्ट जो था वो हमारा किस किस के बीच में हुआ था, पूना पैक्ट जो हमारा हुआ था वो पूना की यरवदा जेल में हुआ था जहाँ पर गांधी जी ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन खत्म होते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है मुझसे तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।